तो कैसे हैं आप लोग। शुरुआत करते हैं आज की नए दौर में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, पहले से 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कक्षा 12वीं का, एकदम बेस क्वेश्चन है। तो मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्या यह एकांकी है, क्या यह कहानी है, क्या यह यात्रा स्मरण है, क्या यह ललित निबंध है? तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो यह है, क्या है बोलिए, यह है डी फोर डेंजरस। डी फोर डेंजरस इज द राइट आंसर, अर्थात ललित निबंध इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन टू कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? पहला है प्रसाद युग, दूसरा है भारतेंदु युग, तीसरा है द्विवेदी युग, चौथा है स्वतंत्र त्योत्तर युग। तो बताइए आप फटाफट इस चारों में से क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, अर्थात भारतेंदु युग। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन कहता है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? पहला है ऑप्शन नंबर ए विद्वतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी है भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी है आत्मीयता से बातचीत करना। तो कह रहा है क्वेश्चन, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन है डी द डेंजरस राइट आंसर, इसका आंसर होगा आत्मीयता से बातचीत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, ऑप्शन सी है आत्मीयता, ऑप्शन सी है प्रवाहपूर्ण भाषा। कह रहा है इस चारों ऑप्शन में से क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बोल कैटरीना कैफ से कम नहीं हमारा ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पांच है, बालकृष्ण, देखिए एमबीबीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पहला कह रहा है 23 जून 1884 को, दूसरा कह रहा है 23 जून 1844 को, तीसरा कह रहा है 20 जुलाई 1992 को, चौथा कह रहा है 18 दिसंबर 1834 को, 18 दिसंबर 1834 को। बताइए इस साल से क्या होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो गया बी इज द राइट आंसर, 23 जून 1844 को। तो क्वेश्चन नंबर बने रखिए। अगला क्वेश्चन है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, संयोगिता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है संयोगिता स्वयंवर? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की, बी कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र की, सी कह रहा है श्री निवास दास जी की, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मैथिली शरण गुप्त जी की। तो ऑप्शन नंबर इस चारों में से कौन होगा इसका आंसर, चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए फोर अति सुंदर, ये क्वेश्चन हमारा है ए फोर अति सुंदर, अर्थात बालकृष्ण भट्ट जी की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ये तो बीबीआई क्वेश्चन है, 100% इस बार पूछेगा, 100% 2025 में लड़ेगा ये क्वेश्चन, गारंटी है। तो लाइक कीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी है 100 अजान 1 सुजान, ऑप्शन नंबर सी है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन डी नंबर है परीक्षा गुरु। इस चारों में से बताना है आपको कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी फोर डेंजरस इज द राइट आंसर, अर्थात परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो क्या है, तो नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 1 सुजान है, सद्भाव का अभाव ये है, मतलब ये तीनों तो है लेकिन ये महोदय नहीं है। तो पूछ रहा है कि कौन सा रचना नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा परीक्षा गुरु इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं लोग। कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है,
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर बी है कछुआ का धर्म, ऑप्शन नंबर बी है कछुआ का धर्म। ऑप्शन सी है रेणुका, ऑप्शन डी है प्राच्य विधि, प्राच्य विधि। ऑप्शन नंबर डी है प्राच्य विधि। तो आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है, बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है रेल का विकट खेल, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो रेल का खेल, ऑप्शन नंबर ए। ये मतलब अति सुंदर क्वेश्चन है, वही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट की कौन सी मासिक पत्र निकलता था, मासिक पत्र पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है प्रताप, बी में है करमवीर, सी में हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी है ज्योत्साना, ज्योत्साना। तो चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा मासिक पत्र है, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नौ का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी फॉर कैटरीना कैफे से कम नहीं, हमारा हिंदी पत्रिका निकलता है। इसी के साथ साथ हम एक इसका पत्रिका देख लेते हैं क्या सब है, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो है निबंध संग्रह में था साहित्य सुमन, क्या था साहित्य सुमन, क्या था साहित्य सुमन, भट्ट निबंध वाला आत्मनिर्भरता 1893 में लिखा था, ये निबंध संग्रह का हो गया। निबंध निबंध जो था चंद्रयोद्ध था, संसार महानाट्यशाला था, प्रेम के बाग का सैलानी था, माता का स्नेह था, अंशु था, लक्ष्मी था, काल चक्र का चक्र था, शब्द के आकर्षण शक्ति था, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। आगे आगे बढ़ते हैं, इसमें विकास है, देखिए आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं सबका। अगला प्रतिभा है, प्रतिभा है, मधुरिया है, साहित्य का असमता से घनिष्ठ संबंध है, आशा है, आत्मगौरव है, रुचि है, भिक्षावृत्ति है, मठ मेला मेला मठ है, आकाश पीपल है, बोध है, एक अनोखा स्वप्न है, स्त्रिया और उसकी शिक्षा। देखिए ये पूछ देता है कभी कभी, स्त्रिया और उसकी शिक्षा किसका निबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अगर है हमारे नए सुरक्षितों से परिवर्तन है, अगला बातचीत ये तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, इसी चैप्टर का तो नाम ही है। अब उपन्यास देख लेते हैं इसका क्या क्या उपन्यास है, चलिए ध्यान दीजिएगा उपन्यास में क्या क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इसका उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, देखिए हमको तो समझियो ना ब्रह्मचारी, मैंने है ना, ये है नूतन ब्रह्मचारी, सौ आजाद एक सुजान, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है, लड़ेगा लड़ेगा, कह रहे हैं ना लड़ेगा तो लड़ेगा, गारंटी याद रखिए। रहस्य कथा मौलिक नाटक में क्या सब आता है, दाम्पत्य स्वयंवर बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी लड़ेगा, देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा किसी वीडियो से आएगा, गारंटी है मेरा, याद रखिए। फिर बाल विवाह है, चंद्रसेन है, ये भी लड़ेगा, आपको ये तीनों याद रखना है, 100% लड़ने वाला क्वेश्चन सब है। हाँ क्या क्या था बोलिए एक बार, मौलिक नाटक में दाम्पत्य स्वयंवर, फिर क्या है बाल विवाह है, फिर क्या है चंद्रसेन है, ठीक है अनुवाद ये तीन को किया था, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है पद्मावती नाटक किसका है, पद्मावती नाटक का जो है जो अभी पद्मावती फिल्म आया था उसका अनुवाद हिंदी में कौन किया था, तो भाई बालकृष्ण भट्ट जी ही किए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग, हाँ क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला है नौ तो हो गया, तो इसका क्या था आंसर, सिफर कैटरीना कैफे से कम नहीं, मेरा क्वेश्चन है नौ नंबर। दस नंबर क्वेश्चन है बातचीत किस विधा की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बातचीत हमारा जो है किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है आलोचना, आलोचना विधा की रचना है, ऑप्शन बी है गीत, गीत विधा की रचना है, सी है शोध और डी है निबंध, डी क्या है निबंध, क्या हमारे इस चारों ऑप्शन में से क्या आएगा बोलिए दस में, तो बिफोर डेंजरस इज द राइट आंसर। तो बातचीत जो कविता है हमारी है निबंध की विधा है, कौन सी विधा है निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, क्वेश्चन 11 कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो, क्या कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन ए है फ्राइडे के मुख से, बी है संडे के मुख से, सी है एडिसन के मुख से, डी है स्टील के मुख से। तो आपको चार ऑप्शन में से आंसर देना है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए इस चारों में से कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 चारों में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है फ्राइडे के मुख से, किसके मुख से सुना था भाई, फ्राइडे के मुख से सुना था। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब है, ये लड़ने वाला क्वेश्चन सब है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है
बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, पूछ दिया इम्पोर्टेंट बीवीआई इसमें बीवीआई लिखेंगे, पूछता है बराबर पूछता है तो बातचीत किस विधायक मतलब किसने लिखा, क्या जयप्रकाश नारायण ने लिखा, क्या मोहन राकेश ने लिखा, क्या नामवर सिंह ने लिखा, क्या बालकृष्ण भट्टी ने लिखा, तो फटाफट आंसर दीजिए। जयप्रकाश नारायण होगा जी नहीं होगा, मोहन राकेश होगा जी नहीं होगा, नामवर सिंह होगा जी नहीं होगा, क्या होगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द डेंजरस बालकृष्ण भट्ट मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन और कहना दे रहा बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए है बातचीत की शैली को, भाषण की शैली को, संवाद की शैली को, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर। चारों में से फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 तो A4 अति सुंदर, A4 अति सुंदर हमारा क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर हो गया ए, क्या है बातचीत की शैली को बताता है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है, जो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी है उसको किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। हाजरी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र जी, रामचंद्र शुक्ल जी, राम विलास शर्मा जी, तो बताइए इनमें से चार में से कौन ऐसा नाम है जो हमारे बालकृष्ण भट्ट जी को साहित्य के एडिशन और स्टील में रखा है। तो ऑप्शन नंबर C4 कैटरीना के से कम नहीं, हमारे रामचंद्र शुक्ल जी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, क्या यह लखनऊ उत्तर प्रदेश से है, क्या यह लखनऊ उत्तर प्रदेश है, क्या यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से है, क्या यह मथुरा उत्तर प्रदेश से है, क्या यह बनारस उत्तर प्रदेश है। फटाफट 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 जवाब दीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का, क्या हो जाएगा आंसर, B4 BB हमारा राइट आंसर, B4 BB हमारा राइट आंसर, अर्थात इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से है। क्वेश्चन नंबर 16 है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, क्या वह आर्यभट्ट है, क्या वह आर्यावर्त है, क्या वह हुंकार है, क्या वह हिंदी प्रदीप है, क्या वह पंजाब केसरी है। मुझे बताएं कि उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, जिससे पहले हम लोग पत्रिका देख के आए हैं, तो क्या आर्यभट्ट होगा जी नहीं होगा, हुंकार होगा जी नहीं होगा, पंजाब केसरी होगा नहीं होगा, क्या होगा हिंदी प्रदीप। C4 कैटरीना कैफे से कम नहीं वाले क्वेश्चन, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, ये पूछ रहा है ईयर कौन सी ईयर में, क्या वह 1877 में आरंभ किया, 1888 में, 1890 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बोलिए उन्होंने किस वर्ष मासिक पत्रिका जो था हमारा हिंदी प्रदीप, क्या था हिंदी प्रदीप निकालना शुरू किया, फटाफट आंसर दीजिए। 17 का क्या होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए A4 अति सुंदर, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित नहीं है, पद्मावती नहीं है, वैनी संहार नहीं है, मेघदूतम नहीं है, मेघनाथ वध नहीं है, अभी देखे थे ना रचना इसका, तो बताइए 18 का क्या हो जाएगा आंसर, तो मेघदूत इसके द्वारा रचित नहीं है, पद्मावत था, वैनी संहार था, मेघनाथ वध था, ये तीनों का तीनों आंसर जो है इन्होंने रचना लिखा था, लेकिन मेघदूत नहीं लिखा था, अर्थात C4 कैटरीना कैफे से कम नहीं मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है, क्या वह मैला आंचल है, क्या वह गोदान है, क्या यह 100 हजार 1 सुजान है, क्या अंतराल है, क्या है, बोलिए फटाफट। ये क्वेश्चन तो हमें भी इम्पोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट में देख के आए थे, देखते हैं वेरी इंपोर्टेंट में 100% भरेगा ये क्वेश्चन की गारंटी है। क्या है मैला आंचल है जी नहीं है, गोदान है जी नहीं है, क्या 100 हजार 1 सुजान है जी हाँ, यही आंसर है C4 कैटरीना कैफे से मेरा आंसर कम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है, अच्छा ये क्या था नूतन ब्रह्मचारी, आप लोग से क्वेश्चन हमने दिखाया था,
आप लोग इसका जवाब दीजिए, ये तीनों क्या है, ये क्या निबंध है, क्या ये पत्रिका है, क्या ये क्या है, आपको जवाब देना है। बराबर बोलिए, जवाब दीजिए कमेंट में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। हम लोग जो नाटक लिखते हैं या करते हैं उसके प्रारंभ में स्तुति मंगल पाठ करते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, क्या वो भजन है, नांदी पाठ है, मंगलाचरण है कि आरती है। बोलिए क्या है फटाफट, भजन है कि नांदी पाठ है कि मंगलाचरण है कि आरती है, क्या है बोलिए फटाफट। तो बिफोर बीवी इज द राजतंत्र, अंतिम में बीवी काम देता है, इसीलिए यह क्वेश्चन आपको बिफोर बीवी पर खत्म होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा बहुत इम्पोर्टेंट था, तो आप लोग इसका रिवाइज करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैलाइए जल्दी से जल्दी।